हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉरी ये पार्ट चेंज नहीं हुआ आप लोगों का, पार्ट टेन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, पार्ट टेन में अब हम लोग ये वाटर कंजर्वेशन के जो हम प्रोसेस पढ़ना चालू फॉर्म्स पढ़ना चालू करी थी, बाउडीज और पॉन्ड्स हमने पूरा कर लिया था। थर्ड है लेक्स, है ना, लेक्स झीलें। ठीक है, पॉन्ड्स क्या होते हैं, तालाब, और लेक होती है झीलें। अंतर क्या होता है, लेक्स बड़ी होती हैं, ठीक है, टूरिज्म के हिसाब से भी काम आती है ना। टूरिज्म मतलब कि वहाँ पर लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, घूमते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं उदयपुर, है ना, झीलों की नगरी, ठीक है, फतेह सागर लेक, पिछोला, ठीक है, झीलों की नगरी है। इसलिए टूरिज्म आज उदयपुर का बहुत आगे है और जगह से, क्योंकि लेक्स ही लेक्स हैं, इतने प्यारे लेक्स, इतने अच्छे डेवलप हुए हैं वो, कि लोग बहुत विदेशी और इंडियंस भी बहुत वहाँ घूमने जाते हैं। कोटा की बात करें तो अपना किशोर सागर है ना, हालांकि वो कहलाता है तालाबी है ना, तालाब वही पौंड होता है, फिर वही बात। तो देख लीजिए आप, तो लेक कितनी बड़ी होती होगी। सांभर लेक है, आप लोग बात समझिए, सांभर लेक सुना होगा आप लोगों ने नाम, सांभर है ना, इडली सांभर वाला सांभर नहीं, सांभर लेक। सांभर लेक जयपुर, अजमेर, नागौर तीन जिलों में फैल रही है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक झील कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, तीन जिलों में, अजमेर, नागौर और जयपुर, तीन जगहों को पानी पानी यहाँ तक फैल रहा है, मतलब टूरिज्म ये प्रोवाइड कराती है, नमक बनता है उस झील से। ठीक है, आगे आएगा तो अपन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है सांभर झील, है ना, तो ये झीलें बड़ी होती हैं थोड़ी, और टूरिज्म के हिसाब से भी काम आती है, यूज़ ज़्यादा है इसका। तो लेक्स में आप लोग लिखेंगे, द लेक्स आर द मोस्ट पॉपुलर सोर्स एंड कंजर्विंग ऑफ सोर्स ऑफ कंजर्विंग फ्लोइंग वाटर ऑफ कंजर्विंग फ्लोइंग वाटर ठीक है, दीज वर बिल्ड बाय द लोकल रूलर्स, दीज वर बिल्ड बाय द लोकल रूलर्स, रिच पीपल एंड द बंजारास, रिच पीपल एंड द बंजारास। बंजारास के होते हैं जो एक जगह टिकते नहीं है, इतने चलते रहते हैं, तो वो अपने यूज के लिए, पानी के यूज के लिए वो लेक्स को बनाया करते थे पुराने जमाने में। अब तो ये बात पुरानी हो गई, लेकिन बंजारों के द्वारा भी बहुत झीलें बनाई भी गई हैं राजस्थान में, रूलर्स है ना, नेता वगैरह या राजा वगैरह तो बनाते ही थे उस समय पर, रिच पीपल का भी ये काम था। दीज वर यूज एज मीन्स ऑफ इरीगेशन एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, दीज वर यूज फॉर इरीगेशन, मीन्स ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन एंड टूरिज्म सॉरी एंड फॉर ऐसे लिख लीजिए एंड फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, एंड फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म मैंने अपने हिसाब से जुड़ा है, इसमें नहीं है ना, टी ओ यू आर आई एस एम, टूरिज्म यानी कि विदेशी सैलानी वगैरह या भारतीय जो उसमें घूमने आते हैं, तो वहाँ पे देखिए बहुत जनों को रोजगार मिलता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप लोग एक जिक्र लीजिए कि एक झील है, उसके वहाँ पे कोई पताशे का ठेला लगाता है, कोई है ना चाट वगैरह का ठेला लगा रहा है, फास्ट फूड की दुकान है, तो वो भी उससे डेवलप हो रहा है। तो एक चीज़ से जाने कितनों को रोजगार मिल जाता है। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अभी कोरोना काल में तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री ठप ही टूरिज्म हुई है, ठीक है, कोई अब घूमने को जाने को तैयार नहीं है कहीं पे, हालात ऐसे बन गए। तो जो उन लोग थे ना, गाइड थे, ऑटो वाले थे, जो ठेले लगाते थे, आज जैसे कोटा में मैस वगैरह चलती हैं, ये सब ठप हो गई ना। तो ये आप ही देखिए, कोटा में स्टूडेंट जो आते थे, सिर्फ कोचिंग वाले और स्कूल वालों का फ़ायदा नहीं था उसमें, उसमें लाखों लोग जुड़े हुए थे, ऑटो वाले हैं, मेस वाले हैं, जो पोए के ठेले लगाते हैं सुबह, सबका रोजगार उससे जुड़ रहा था, है ना। तो एक टूरिज्म आपने बोल के ही जाने लाखों को रोजगार दे दिया लेक्स से, है ना। लेक्स की एक बहुत खास पहचान है टूरिज्म, जो इसमें नहीं लिख रही आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, टूरिज्म। फिर आप लोग इसमें एग्जांपल लिखेंगे, जैसे हम पहले लिख रहे हैं अनासागर अजमेर, अनासागर ANASAGAR, अनासागर अजमेर। उदयपुर के लिखना ना भूलें, पिछोला और फतेह सागर, पिछोला एंड फतेह सागर इन उदयपुर, और नवलखा ऑफ बूंदी एंड नवलखा NAVLAKHA, नवलखा ऑफ बूंदी, बूंदी की झील है नवलखा, ठीक है, इतने काफ़ी हैं। तो ये लेक्स हैं ना, तो लेक्स आप लोग याद रखेंगे, पौंड से थोड़े अलग है, थोड़ी बड़ी होती हैं, यूजेज ज़्यादा बड़ी है तो यूजेज ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ इसमें है, और टूरिज्म के भी बहुत अच्छी ये काम आती है। फोर्थ आप लोग लिखेंगे लेक्स के बाद नाडीज, क्या लिखेंगे, नाडीज NADIS, नाडीज। नाडीज क्या है, देखिए नाम में अंतर है, नाडीज और पॉन्ड्स लगभग बात एक होती है, नाडी छोटे होते हैं। देखिए आप कैसे हम लोगों को रिलेट करना है, झील या लेक्स पॉन्ड से बड़ी होती हैं, नाडी पॉन्ड से भी छोटी होती है ना, NADIS नाडीज। देखिए इसमें ये लिख रहा है आगे, नाडीज आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ पॉन्ड्स, लिखेंगे आप लोग नाडीज में, नाडीज आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ पॉन्ड्स विच आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। कहाँ मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में। देखिए मेन मैं आपको फंडा बताऊँ नाडी के पीछे, आप नाडीज राजस्थान के बाहर जाएंगे, राजस्थान के बाहर छोड़िए, हमको पता था कि नाडीज नाम का वर्ड नहीं पता था ना, ये लोकल टर्म है वेस्टर्न राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर के आसपास जो राजस्थान बसा हुआ है
वहां का लोकल टर्म है पॉन्ड्स के लिए, तालाबों के लिए। अब गांव के लोग पॉन्ड पॉन्ड करेंगे क्या, है ना, उन लोगों को इतना वर्ड नहीं पता इंग्लिश के, तो वो लोग अपने हिसाब से जो उन्होंने वर्ड्स बनाए हैं तो उसमें नाड़ी NADIS वो उसको बोलते हैं, पौंड से छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन है लगभग पौंड ही। अब वो उसमें आ गया ना वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान क्या है, राजस्थान का वो पार्ट जो रेगिस्तान से ढका हुआ है वो वेस्टर्न राजस्थान है, आप लोगों को इतना तो पता होगा, जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका, तो वहां पे नाड़ीज बोला जाता है, ठीक है, इनको नाड़ीज आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ पौंड विच आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। द सैंड फ्रॉम दीज नाड़ीज इज टेकन आउट एवरी ईयर, एंड द नाड़ीज आर डीपेंड, DEEPENED, डीपेंड मतलब कि और उनकी खुदाई करते जाते हैं ताकि उनमें पानी ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। कंसेप्ट इन आठ जो नाम आपने पढ़ रहे हो ना, आप सबके पीछे एक ही है, एक जगह बना देना ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, बस। तो वही है, उसके सैंड निकालते हैं हर साल और गहरी होती है वो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें भरा जा सके, ठीक है। डीपेंड, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाइल्ड एनिमल्स कैटल एंड रूरल पॉपुलेशन, रूरल मतलब RURL, रूरल गांव, है ना, गांव की जो पॉपुलेशन है उनके साथ जो कैटल है उन्होंने भेड़ बछड़े पाल रखे हैं, और वाइल्ड एनिमल जो घूम रहे हैं ना उनके लिए पीने का बहुत, पानी पीने का बहुत अच्छा साधन है ये नाड़ी, पौंड से छोटे होते हैं, वेस्टर्न राजस्थान का ये नाम है, ठीक है, हर साल उसमें सैंड उसको निकालते रहते हैं ताकि जैसे तक पानी उसमें भरा जा सके, इतनी सी इसमें आप लोगों को बात लिखनी है, ठीक है। तो फिफ्थ आप लोग ला लेंगे अब इसमें टाका, यहां लिख देते हैं ना उसको, फिफ्थ आप लोग लिखेंगे टाका, है ना, TAANKA टाका, ठीक है। टाका अच्छा टर्म है और आप लोगों ने सुना भी पहली बार होगा, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान के लिए तो बहुत आम बात है ना, जैसलमेर बाड़मेर के लिए, हमारे लिए इतनी आम नहीं है। देखिए फोटो पे आइए इसके, है ना, ऊपर मैंने इतने फोटोज पे ध्यान नहीं दिया, लेक स्पॉन्ज के देखे मैं आप लोगों ने, है ना, टाका के फोटो पे आइए। देखिए टाका क्या होता है, मैं आपको मेनली एक चीज बताऊं, जैसे मान लीजिए हमें पता है बारिश कम होगी, है ना, बाड़मेर जैसलमेर में, तो वो लोग क्या करते हैं, ये तो घरों घरों में बन रहे हैं वहां पे, मतलब अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया टाके बनाना, ये हाल है ना, जैसलमेर बाड़मेर के गांव में कंपलसरी हर घर में एक टाका है, भले ही छोटा हो। अब टाका होता क्या है, देखिए वो लोग क्या करते हैं, बारिश का पानी उनको पता है कहाँ पे हमारे घर में इकट्ठा होता है और कहाँ वो बहके जा रहा है नालियों में, वो वेस्ट ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे टाका बना देते हैं, एक छोटी सी नाली, एक ओपनिंग दे देते हैं ताकि वो पानी उसमें जाए, है ना, और वो उसमें स्टोर होता रहता है। एक गोल, देखिए गोल वो बनाया हुआ और ये zigzag से बन रहा है, ये इसलिए ताकि पानी बहके इसमें आ जाए, आप लोग फोटो पे देखते रहिए, है ना, पानी बहके इसमें अंदर स्टोर हो जाए, ऊपर से ढक देते हैं ताकि गंदगी ना हो, इवापरेशन जैसे समस्या ना हो, पानी उड़ ना जाए, है ना, कोई उसमें जानवर जाके मुंह ना मार दे या कोई जाके बैठ ना जाए अंदर, ठीक है, पानी उड़े ना, गंदा ना हो, इसलिए वो ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ऊपर कोई ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए हैंडपम्प लगा दिया या कुछ लगा दिया, ताकि उस पानी को, क्योंकि नीचे जमा हो रहा है, खींचना भी तो है बाहर, है ना, तो उस चीज के लिए हैंडपंप लगाया है, जो भी सिस्टम होता होगा, देखिए क्या मेनली बात ये हम लोगों ने देखी नहीं है ये, है ना, तो क्या लगाते होंगे, मेरे हिसाब से हैंडपंप बेस्ट है ना, क्योंकि हैंडपंप से वो पानी खिंच जाता होगा, आज ग्राउंड वाटर भी तो हम ऐसे ही यूज करते हैं ना, नीचे हैंडपंप डाल देते हैं, वो चलाया, वो पानी खिंच के ऊपर आ गया, ऐसे ही इस टाका के केस में भी होता होगा। वेस्टर्न राजस्थान के लगभग हर घर में टाके मिलते हैं, हर घर में, क्योंकि उन लोगों के पास कोई सोर्स ही नहीं है ना, उनको पानी कौन सा रोज आएगा हमारी तरह, अरे हम तो फिर भी चलिए मान लीजिए ऐसा था, हमारे लिए सबसे बुरा क्या होगा कि दिन में 2 घंटे पानी आता है, ये बहुत बुरा है ना हमारे लिए, 24 घंटे नहीं मिल रहा हमको, दिन में 2 घंटे मिल रहा है, वहां पे 10 दिन में 2 घंटे आता होगा, आज पानी आया 10 दिन बाद आएगा, तो 10 दिन तक आप कितना पानी, वो कितनी बाल्टियां लोगे, कितने वो लोगे, तो वो लोग टाके बना लेते हैं, बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं, महीनों काम चल जाता है उन लोगों का, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसे थोड़ी 10-10 बाल्टी बना रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से यूज उससे आपसे करते हैं कंजर्वेशन के हिसाब से, तो ये पानी यहाँ पे बहके इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको निकाल लेते हैं, ऊपर से ढके हुए हैं ये, अगर ये ऊपर का मैं हटा दूं तो एक ऐसे वो बाथ टब जैसा बन गया ना ये, ठीक है, अब वो ऊपर ढकने का मतलब ये कि पानी गंदा ना हो, इवापोरेट ना हो, उड़े ना, इस वजह से ऊपर से ढक रखा है। तो टाकाज में आप लोग लिखेंगे, दीज आर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कलेक्शन एंड कंजर्वेशन विच आर फाउंड इन एवरी होम एंड फील्ड ऑफ वेस्टर्न राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान के हर खेत में, हर घर में आपको टाकास मिलेंगे। राजस्थान, दीज आर मेड बाय डिगिंग अ 4-6 मीटर डीप डिच
एंड अपर पार्ट इज कवर्ड विद स्टोन्स. दीज आर मेड बाय डिगिंग, डी आई डबल जी आई एन जी, डिगिंग 4 to 6 मीटर डीप डिच, डी आई डी सी एच डिच, एंड द अपर पार्ट इज कवर्ड विद स्टोन्स. है ना, 4 से 6 मीटर गहरा खोद लेते हैं उसको, उसमें पानी इकट्ठा रहता है, ऊपर पार्ट उसको स्टोन से पत्थर से किसी ढक देता है. ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ज़्यादा पैसा नहीं लगाते उसमें, जो लोकली जो पत्थर मिलता है आसानी से उसको कवर करना है बस, मेनली बात यह है. दीज आर यूज टू कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स. दीज आर यूज टू कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स एंड द अगोर. रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स, आर डब्ल ओ एफ एस, एंड द अगोर, ए जी ओ आर ई. रूफ क्या होती है, छत, और अगोर क्या है, फिर वही लोकल टर्म है वेस्टर्न राजस्थान का. अगोर का मतलब वही है कि जहां से पानी चढ़ाई से ढलान की तरफ आ रहा है उसे अगोर बोला गया है ना, क्योंकि पानी, फिर वही बात, होना ये सब ढलान पे चाहिए. अरे ऊपर बना दोगे पानी कैसे चढ़ेगा उसमें, नीचे होगा तभी तो ऊपर का पानी बह के नीचे आएगा. तो इसलिए अगोर मतलब कि ऊपर का पानी नीचे लाते हुए इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो वो टांका उस चीज का अगोर, या रूफ छत के नीचे बना देंगे, छत का पानी सीढ़ियों से बहता हुआ, सीढ़ियां नहीं बनाएंगे जैसा स्लोप बना देंगे, बहता हुआ सीधा टांके में इकट्ठा होता जा रहा है. ठीक है, कितना सीख सकते हैं ना हम इन लोगों से, हम तो पानी खूब बारिश होती है वो बहता रहता है, ठीक है पानी नालियों में जाता है, अल्टीमेटली उसको कुछ काम ही नहीं है, और ये लोग देखिए है ना एक एक बूंद का महत्व समझते हैं. तो ये आप लोगों का टाका जी पूरा हो जाता है. इसके बाद जौहड़, छोटी कुई और खड़ीन बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.